हेलो एवरीवन, INS विराट नाम तो सुना ही होगा। सिर्फ नाम ही काफ़ी है प्राउड फील कराने के लिए, लेकिन विराट और इसके गौरवशाली इतिहास को आज कचरे की ढेर में बेचा जा रहा है। ग्रैंड ओल्ड लेडी ऑफ इंडियन नेवी के नाम से जानने वाली इसने 22 कैप्टन के साथ साथ 5 इंडियन नेवी चीफ को अपने गोद में खिलाकर बड़ा किया। इस वीडियो में आपको INS विराट के गौरवशाली इतिहास को बारीकी से जानने का मौका मिलेगा और उसके साथ यह भी जानने का मौका मिलेगा क्या INS विराट को बचाया जा सकता था। वीडियो के अंत में एक सवाल का आंसर जरूर देना, उसके लिए पूरे वीडियो को अंत तक देखें। 19 सितंबर को बीजेपी MP राजीव चंद्रशेखर के द्वारा एक इमोशनल ट्वीट में अपील किया गया INS विराट को लेके कि उसे स्क्रैप में ना डाला जाए, जिसे लोगों का काफ़ी समर्थन मिला। इस शिप को 1949 में HMS हर मैजेस्टी शिप हर्मिस के नाम से UK's रॉयल नेवी में इंडक किया गया। इसने 1982 में फॉकलैंड्स वॉर में अर्जेंटेनियन फोर्स के खिलाफ काफ़ी बहादुरी दिखाया था। इस वॉर के 3 साल बाद ही HMS हर्मिस को डी कमीशन कर दिया गया, जिसे फिर 1985 से 1986 में इंडियन गवर्नमेंट ने इसे खरीदने का प्लान बनाया और इसमें कई सारे चेंजेस के बाद मई 1987 में इंडियन नेवी में शामिल कर लिया गया। इस शिप को बाद में नाम बदलकर INS विराट कर दिया गया। इस वॉरशिप का मोटो था जलामेव यस्य बलामेव तस्य, जिसका मतलब है जो समुद्र पे कंट्रोल करता है वही शक्तिशाली। सबसे खास बात, इसे गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड मिल चुका है फॉर लॉन्गेस्ट सर्विंग वॉरशिप इन द वर्ल्ड, और यह एक इकलौता वॉरशिप है जो UK और इंडियन नेवी दोनों में काम कर चुका है। इस वॉरशिप ने अपने सर्विस के दौरान 1 फिक्स्ड विंग एयरक्राफ्ट ब्रिटिश मेड सी हैरियर एंटी सबमरीन एयरक्राफ्ट सी किंग MK-42B सी किंग MK-42C उसके साथ साथ चेतक ध्रुव और कामोव हेलीकॉप्टर का भी यूज किया। श्रीलंकर पीस कीपिंग मिशन ऑपरेशन जुपिटर 1989 में INS विराट का काफ़ी योगदान रहा है, जो एक दिल छूने वाली घटना थी। उसके साथ इंडियन पार्लियामेंट पे अटैक के बाद ऑपरेशन पराक्रम में भी इसे शामिल किया गया था। इंडियन नेवी का कहना है कि इस शिप ने 22,622 फ्लाइंग आवर्स कंप्लीट किया है अलग अलग एयरक्राफ्ट से, उसके साथ 2258 डेज का सी सेलिंग किया है, जिसका मतलब है कि करीब 11,00,000 किलोमीटर की दूरी कवर किया है। आप सोचो तो 27 बार के करीब इसने पूरे ग्लोब को परिचालित किया है। अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पे, आखिर इसे डीकमीशन्ड क्यों किया गया। सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो था वह इसके मेंटेनेंस को लेके था, क्योंकि यह बहुत पुराना हो चुका था तो बार बार मेंटेनेंस में काफ़ी ज़्यादा कॉस्ट जा रहा था। उसके साथ एक्सीडेंट होने को लेके भी खतरा बना रहता था। इसे बचाने को लेके और इसे म्यूजियम में कन्वर्ट करने को लेके कई बार प्रयास किया गया, चाहे वो आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट के प्रपोजल हो या फिर महाराष्ट्र गवर्नमेंट के, लेकिन किसी गवर्नमेंट ने कॉन्क्रीट स्टेप नहीं उठाया। वहीं अगर मूर्ति या फिर नेता सब के नाम पे म्यूजियम बनाने का होता तो वही गवर्नमेंट दुनिया भर के फंड कर देती। क्राउड फंडिंग से भी कोशिश किया गया कि चंदा लेके इसे एक म्यूजियम में कन्वर्ट कर दिया जाए, लेकिन वह भी अनसक्सेसफुल रहा। इतने अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट के बाद सेंट्रल गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि इसे स्क्रैप में बेच देंगे, जिसको लेके ऑक्शन कराया गया और इसे अलांग शिप बिल्डिंग यार्ड, जो दुनिया का सबसे बड़ा शिप ब्रेकिंग यार्ड है, उसमें से एक बड़े शिप रिसाइकलर जिसका नाम है श्री राम ग्रुप ने इसे खरीद लिया। देखो, इसके लिए कौन दोषी है ये आप कमेंट में जरूर बताना। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।